दोस्तों आज हम एडजस्टेबल रेंच के बारे में बता रहे हैं। ये एडजस्टेबल रेंच हमारे नट और बोल्ट दोनों खोल सकता है। तो इससे आप देखिए, ये जो आप गोल गोल है ये आप देख रहे हैं, इसे आप घुमाएंगे तो इससे आपका 0 से ये 20 mm के बीच में कोई भी नट और बोल्ट दोनों खोल सकता है। जितना आप घुमाएंगे इसका मुंह खुलेगा और उसके हिसाब से आप कुछ भी चीज़ खोल सकते हैं। जैसे मेरे सामने एक बोल्ट है, नट बोल्ट दोनों है आपके सामने और ये थोड़ा टाइट है। मैं आपको इससे खोल के दिखाता हूँ, जितना इसे करेंगे उतना आप खोल सकते हैं कोई भी चीज़। ये 19 mm का है तो ये इसमें हुआ और ये देखिए खुल गया। तो दोस्तों ये मैंने आपको एग्जांपल बताया था, आप इससे 0 से 20 mm के बीच में कुछ भी खोल सकते हैं। दोस्तों अभी मेरे एक साइड में गया था, वहां पर ऐसा हुआ था, इसे घुमा घुमाने के बाद ये एक बारी पूरा ही खुल गया था, ये ऐसे खुल गया था। अब मैं सोच रहा कि अब क्या हो गया, ये खराब हो गया, पर दोस्तों आप ये मत सोचिए ये आपका खराब हो गया, ये अभी मैं आपको ठीक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपके सामने ये रेंच है और ये इसका मुंह है। तो आपको इसका यहाँ पर आपको स्लॉट दिख रहा है, इस स्लॉट में आपको ये चीज पहले पा देनी है और ये ऐसे हो गया, ये ऊपर आ गया और आप इसका मुंह देखिए ऐसे है दोस्तों। और उसके बाद जिससे हम ये घुमाते हैं ये आप इसके बीच में डालिए, बीच में डालने के बाद आप देख रहे हैं थ्रेड वाली साइड आप हमेशा नीचे रखें और ये आप माइनस का निशान देख रहे हैं, इससे आप इसे स्क्रू ड्राइवर से आप इसे टाइट कर लीजिए। ये देखिए मैंने फुली टाइट कर लिया और मैं आपको दिखाता हूँ ये वर्किंग में हो गया दोस्तों। अब आप इसे पूरा ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं, दोनों चीज हो सकता है दोस्तों। और ये रेंच मैंने आपको बता दिया 0 से 20 mm के नट और बोल्ट दोनों खोल सकता है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी दे दिया है अमेजोन से, और ये छोटे भी आते हैं और बड़े भी आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।